जवाब दे करोड़ दूं? 2 करोड़ सिग्नेचर्स का मतलब है, ये कई लोग सवाल पूछ रहे हैं वैसे रोहन जी, कि 2 करोड़ लोगों के सिग्नेचर्स। देखिए अंजना जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर साहब हैं, पर कौन सी डिग्री है जरा बाद में चेक करेंगे, पर जो 2 करोड़ सिग्नेचर के पीछे बता दूं कि हमारे जो, अरे भैया आपकी सोनिया गांधी जी से अच्छी डिग्री है, हर जगह आपकी सोनिया जी और आपके राहुल जी से और आपकी दीदी से मत करो ये ड्रामा, मत करो डॉक्टर, अरे सुनिए भैया डॉक्टर है, आपकी डिग्री तो पात्रा में आऊंगी आपसे जवाब लेने, रोहन गुप्ता जी बोलने में आपसे आऊंगी जवाब लेने, ये करेंगे तो ये डिबेट में यही होगा फिर, प्लीज संबित जी प्लीज। देखिए अंजना जी, ये डॉक्टर जानते हैं कि अगर ड्रामा करेंगे तो मैं उससे ज्यादा करूंगा, बीच में ना बोले आप, चुपचाप बैठिए, कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार की। अंजना जी मैं जवाब देना चाहूंगा, देखिए अंजना जी जो परिवार की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक समय याद दिला दूं 1998 का, जब कांग्रेस सिबटकर सिर्फ 4 स्टेट में रह गई थी, तब सोनिया जी, तब हमारे पास गांधी परिवार के पास सत्ता नहीं थी, तब सोनिया जी ने उस चैलेंज को लिया और 2004 में हर केडर को एनर्जाइज किया, 6 साल में हम सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, आप कौन से परिवार की बात कर रहे हैं, हमेशा जो परिवार है उन्होंने गाइडिंग फोर्स का काम किया और जब भी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ पड़ी कांग्रेस पार्टी को मदद करके सत्ता में लाए, कहा गांधी परिवार, जवाब दे दे, लालच ये है रोहन जी, पता नहीं तब आप एक्टिव भी कांग्रेस में थे या नहीं, क्या हुआ था, याद दिलाओ क्या, इतना बड़ा बलिदान, मैं बिल्कुल एक्टिव था, मैं आपको बता रहा हूँ, आज किसी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना बहुत छोटी चीज़ नहीं है, ये मार ही डालेंगे आज, शरद पवार वहाँ पे सामने देखिए प्रधानमंत्री बने रहने के लिए किस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ कर गए थे बताइए डॉक्टर साहब, और आखिरी बात, मैं 2 करोड़ मैं और सब लोग आज साथ में हैं, क्यों है आज नहीं, अलग पार्टी है उनकी, पार्टी क्यों छोड़ी थी रोहन जी, उसके पीछे सोनिया जी का, सोनिया जी का, सोनिया जी का योगदान था उसमें, याद है आपको उस टाइम पे जो भी मुद्दे रहे हो, सोनिया जी ने कांग्रेस की जो सरकार है यूपीए की, आज कांग्रेस की सरकार सोनिया जी के उसमें अध्यक्षता में बनी और उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया, उन्होंने नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, उनको लगता था कि मुझे अगर साझा सरकार है, मुझे देश को अच्छी सरकार देनी है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ये छोटी चीज नहीं है अंजना जी, हम बार बार बात कर रहे हैं और 2 करोड़ सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब पत्ते गिनते रह जाओ कि क्यों आज आपकी सरकार ने रोका, हम तो ट्रक लेके आ रहे थे, चैलेंज कर रहा हूं कल वापस भेजिए, हम वापस 2 करोड़ सिग्नेचर भरते हैं, आपके जैसे डॉक्टरों को बिठा दो, कम से कम कुछ तो काम करे देश के, वैसे भी बेरोजगार घूम रहे हो आप लोग, बैठ के देश का काम कीजिए, 2 करोड़ सिग्नेचर की नहीं है, आपके कृषि प्रधान को बताइए कि ये फार्मर पूरे देश का आपके खिलाफ है, अहंकार बंद कीजिए, हो गया तो आप मैं बोल लूं जरा अंजना जी, रोहन जी आपने बताया नहीं शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी थी, जियो जियो हमारे दर्शक गूगल करने लगे, हमारे दर्शक गूगल करने लगे और अन्नदाता को जियो मरो मरो, अरे गूगल तो इनका काम है, हमको कोई गूगल की जरूरत नहीं है, आज हम पूरे साझा सरकार UPA 1 UPA 2 रही और शरद पवार जी उसमें मंत्री रहे, मुझे उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, पर अंजना जी डॉक्टर से जो प्रवक्ता है, अन्नदाता को मरो मरो और धनदाता को जियो जियो, ये इनका स्लोगन है, पूरा देश देख रहा है, पेट पेट भरने वालों का पेट काट रहे हो ना, आपको देश माफ करेगा, आने वाले दिनों में आपका अहंकार